दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन करने के बाद भी इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आज मैं आपको इसके लिए दो मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताकि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। तो अभी मैं आपको इंटरनेट ऑन किया हुआ है मैंने, तो अभी मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मेरा इंटरनेट यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो कुछ टाइम पहले मेरे को भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरे को लगा कि मेरे को इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर को इस प्रॉब्लम का समाधान मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है आपके मोबाइल में सेकंड मेथड वर्क कर जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद अभी मेरे पास MI का मोबाइल है, तो मेरे मोबाइल में यहाँ पर सिम कार्ड एज मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर सामने ही आ गई है। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर ना आए तो आप यहाँ पर मोर में जाके देख लेना, आपके मोबाइल में यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर मैं सिम कार्ड पर क्लिक करता हूँ और आपके जिस भी सिम में इंटरनेट चल रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिलहाल अभी मैंने फट सिम में इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम, आपके मोबाइल में APN के नाम से भी ये सेटिंग हो सकती है, आपको इसे सर्च कर लेना है। इसे सर्च करने के बाद अभी आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद अभी आपको आपके पास जो भी सिम होगी वो यहाँ पर ID शो होगी। आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है। इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नाम में आइडिया लिख देना है। आपके पास जो भी सिम है, जियो, आइडिया, वोडाफोन, आपको उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर आपको APN में जाके इंटरनेट टाइप कर देना है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और सर्वर में आपको यहाँ पर www.google.com लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप MCC में जाके आपको 404 लिख के ओके करना है और यहाँ पर MNC में जाके यहाँ पर 12 लिख के ओके कर देना है। पर आप नीचे की तरफ जाएंगे आएंगे और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो APN टाइप, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट कर देना है। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर आप APN प्रोटोकॉल पर जाके आप यहाँ पर इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इस पर जाके मोर में जाके, हो सकता है आपके मोबाइल में ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है 3 डॉट ओके, आप यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर इस सेटिंग को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अभी आप अपना इंटरनेट ऑन करके देखना कि आपका इंटरनेट चल रहा है या फिर नहीं। अगर आपका मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप अपना मोबाइल एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा ओपन कीजिएगा तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। तो अगर आपका इंटरनेट अभी तक नहीं चला है तो आप सेकेंड मेथड फॉलो कीजिए। तो अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो आपको दूसरी सिम को बाहर निकाल देना है और जिस सिम में आपका इंटरनेट पड़ा हुआ है उस सिम को आपको सेकंड स्लॉट में डाल के अपना मोबाइल को ओपन कर लेना है। याद रहे दोस्तों, इस वर्क में आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से देखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।